मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले हमने एक वीडियो किया था कि बच्चों को सर्दी खांसी से बचाने के लिए क्या रेमेडी ट्राई करनी चाहिए। तो अब कुछ पेरेंट्स ने हमें बताया है कि बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है तो उसके लिए क्या रेमेडी यूज करना चाहिए ताकि बच्चे का सर्दी खांसी ठीक हो जाए। तो आज हम हमारे चैनल पे एक होम रेमेडी लेकर आए हैं जिसका नाम है अदरक तुलसी का काढ़ा। तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। वेलकम टू मॉम जंक्शन। तो यहाँ पर मैंने काढ़ा बनाने के लिए 1 इंच सिनेमन स्टिक लिया है, दालचीनी, 1 चुटकी हल्दी पाउडर लिया है, 4 से 5 मैंने ब्लैक पेपर लिया है यानी कि काली मिरी, 3 लौंग लिया है, 1 स्लाइस ऑफ लेमन लिया है, अदरक को मैंने ग्रेट करके रख लिया था तो थोड़ा अदरक लिया है और थोड़ी सी तुलसी के पत्ते लिए हैं। और यहाँ पर मैंने गुड़ पाउडर लिया है, मेरे पास गुड़ नहीं है तो मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आपके पास गुड़ है तो आप वो डाल सकते हो। अब हम काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। ये बॉईल होने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे और उसको इतना बॉईल करना है कि ग्लास पानी हमने 2 ग्लास डाला था तो 1 ग्लास हो जाना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हो पानी बॉईल हो गया है तो अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, तुलसी के पत्ते, अदरक और गुड़ को हमें लास्ट में ऐड करना है, लेमन को भी लास्ट में ऐड करना है क्योंकि इसको इतना पकाने की जरूरत नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और अभी हम इसको पकाएंगे। पानी इतना हो जाना चाहिए, मतलब 2 ग्लास पानी डाला था ना तो 1 ग्लास पानी हो जाना चाहिए, उतने तक उसको पकाना है। अब पानी उबल उबल कर हाफ होने आया है, अब इसके अंदर हम ये गुड़ ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर गुड़ का पाउडर लिया है, आप चाहे तो आप गुड़ भी ले सकते हो और गुड़ का पाउडर भी ले सकते हो। लेमन, अब मैं यहाँ पर लेमन जूस ऐड करूँगी, हाफ लेमन है, मैं इसका जूस इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। अब ये हाफ हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। आप देख सकते हो मैंने 2 ग्लास पानी डाला था तो ये 1 ग्लास जितना हो गया है और इसका कलर भी देखो कितना चेंज हो गया है और ये टेस्ट में भी अच्छा लगता है बच्चे को। ये बच्चे को विंटर में डेली देना चाहिए, छोटे बच्चे को 1 या 2 स्पून दे दीजिए और बड़े बच्चे को 4-5 स्पून दे सकते हो और ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है तो आप बच्चे को इस विंटर में जरूर पिलाएं और सर्दी खांसी में उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा और सर्दी खांसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था काढ़ा की रेसिपी। आप अपने बच्चे के लिए ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये काढ़ा जो 6 मंथ से बड़े बच्चे हैं उनको ही देना है, 6 मंथ के छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, कोई होम रेमेडी ट्राई नहीं करना है सिवाय ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क। अब ये काढ़ा बच्चे को दिन में कितनी बार दे, तो ये काढ़ा बच्चे को दिन में 2 बार देना है, 1 या 2 स्पून बच्चे को देना है, इससे ज्यादा बच्चे को नहीं देना है। अब बात करते हैं कि ये काढ़ा कौन से टाइम पे दे, तो बेस्ट टाइम ये है कि जब भी आपका बच्चा सोने वाला है उसके पहले आप दे दीजिए और जब आपका बच्चा उठे तब आप उसको ये काढ़ा दे दीजिए। तो जो भी गले में कफ है तो ये काढ़ा मुकस को पिघलाकर पॉटी के थ्रू बाहर कर देता है और बच्चे को गले में काफी आराम मिलता है, जो भी गले में पेन रहता है उसमें काफी रिलीफ मिलता है। तो आप अपने बच्चे के लिए ये काढ़ा की रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी काफी वेदर ठंडा हो गया है जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को ये काढ़ा ट्राई करोगे तो बच्चों को काफी रिलीफ मिलेगा और बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है तो आप अपने बच्चे को ठीक कर पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो नीचे जो रेड बटन दिया है उसे सब्सक्राइब करें,
चैनल जो कोई भी क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी फोटोज डाली हुई है, मेरी डॉटर की, मेरी फैमिली की फोटोज डाली हुई है, तो आप जाकर वहां पर जरूर चेक करें, आपको बहुत ही मजा आएगा। और आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।